समझता है। इस्लाम के दुश्मन साथी को समझता है, अल्लाह की कसम बेहद होशियार वैसी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बैरिस्टर है। पूरे इंडिया में चैलेंज चैलेंज चैलेंज, इंटरनेट में लाइव चल रहा, मैं चैलेंज करता हूँ। इतना पढ़ा लिखा नेता कोई नहीं। गांधी जी और चाचा नेहरू के बाद बैरिस्टर अगर कोई है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मर गए तुम्हारे हिंदी की बात है, तुम अब तक बोल नहीं पाए थे किस दिन के लिए। मैं शेर पढ़ता हूँ, ये बात हकीकत है भारत के लिए है, ये बात हकीकत है भारत के लिए है। तम तम चा अपनी लुटाने हो इस पद का हकीकत में हकदार वैसी है। इस पद का हकीकत में हकदार वैसी है। और एक शेर पढ़ता हूँ, जोर से कह लो सुभान अल्लाह। डर तो नहीं रहा? नहीं, डरना ही नहीं है। हमारे पास अब वो है जो हमारी आवाज को पार्लियामेंट में उठा सकता है, है कि नहीं भाई? इसी झारखंड में तबरेज अंसारी पर जो मापलीची हुई, तो सबसे पहले आवाज अगर किसी ने उठाया उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तीन तलाक पर चूंकि एमपी तो कितने थे, 23-25 एमपी थे मुस्लिम एमपी, लेकिन किसी ने आवाज तीन तलाक पर नहीं उठाया। और उधर असदुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी है, लेकिन जैसे ही सुना है कि हमारे शरीयत पे आँच आने वाली है, बंदा दौड़ पड़ा। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में खड़े होकर के तीन तलाक पर उसने बोला। बाकी कितने एमपी थे वो चुपचाप खड़े रहे। तो हमें ऐसे लोगों का साथ आना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि वोट काटने के लिए आया, खलान करने के लिए। अगर तुमको तकलीफ का है, इतना दिन से तुमको ही तो वोट दिया है, एक बार हमको देके देखो, हमको भी देके देखो। तुमको तकलीफ क्या? मैं 70 साल से देता आ रहा हूँ, तुम एक बार नहीं। तुम्हारी सारी पार्टियां तुम्हारी है, तुम एक पार्टी में भी प्रमोट नहीं कर सकते। क्या बात, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान थोड़ा डरपोक है। अपने में लड़ाई हो तो मत पूछिए, सब निकाल देगा। और दूसरे से लड़ाई हो तो मत पूछिए, कुआल में घुस जाएगा कि 8 दिन मिले नहीं। ये हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात नहीं है, इस पर आप हंस रहे हो। मैं रोजाना ये काम कर रहा हूँ, जैसे ऐसे मुसलमान लगता है कि मारे को उलट जाए, लेकिन फिर सोचता हूँ ना, समझाना पड़ेगा। और बहुत सलीके से समझाने पर आ जाता है और कहता है, दिलवर भाई वो भी इंग्लिश बोलता है, शॉर्ट शॉर्ट। तभी तो मैं कहता हूँ, तू शेरे हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी।